अच्छा आप लोग थाने गए हैं बीबी? जी गए थे। कब? कल भी गए थे। आपके साथ कौन है, दूसरा बंदा कोई है? जी मेरे चाचू भी। आप हैं? आप भी आ जाएं जरा। चाचू इसके, ये अबू है। अच्छा वो भी हैं, आप आ जाएं जरा आगे। तो थाने कब गए हैं आप लोग? असी थाने गए जी परसों, एक दिन जड़ा बैग छोड़ के उस तो अगले दिन गए। अच्छा किससे मुलाकात हुई थाने में? एसएचओ के साथ। ठीक है, फिर क्या हुआ? उसने साड़ी कोई सुनाई नहीं की सर। अच्छा सर बदतमीजी की, बदतमीजी की कमीने तक है। अच्छा हाँ, ये आ गई है तो फिर क्या, फिर हो जाएगा वो मसला जो मैं, यार आ तो गई है, उसकी हरासत से निकल आई है, ऐसी कार्रवाई कराना चाहते हैं, किसकी कार्रवाई की जाएगी? प्रमोट दिया फाड़ देंगे, वो कर देंगे, यो कर देंगे, ऐसे नहीं होता सर, जिसकी कार्रवाई करें। चलने का वो मतलब उसके अपना कंप्यूटर वाले कमरे के पास उसके गए, उसने अटैक नहीं किया, अटैक कहते हैं कि क्या कहते हैं, नहीं किया जी उसने। अच्छा चलो, एक तो ये एसएचओ वाला मामला समझेंगे, एक तो ये है इशू कि थाने कार्रवाई करने। अब ये बताएं थोड़ा सा कि ये इशू क्या बना था, जल्दी से बताएं ये इशू क्या, किसके साथ बना है ये मसला? ये आशु नामी लड़का जी। हाँ, रिश्ता था पहले? रिश्ता नहीं जी, रिश्ता इन मतलब कि मेरी मेरा भांजा जी उसतेला भांजा, उसतेला भांजा धर्म के अनजान सी। देखो जी जे वाड़ी खेत नूं खाण लगे तो खेत कदों बचिया, बन जा सी उहदे च कोई इस तरह का शको शुभा नहीं है। जदों मेरे भाई नूं शक शुभा होया, इसने चंद दिन पहले उसनूं रोकिया घर से, डांट दिता भी साडे घरे ना आया कर तू, आई ना समझ। उहने जी उस रंजस नाल आई ना समझ, ते बच्ची नूं मतलब कि कुछ उहने कहा सी, कुछ छड़ा छड़ाई की या कोई वरना कोई गल की, उहने दस आ दे अबू नूं, जदों आ दे अबू नूं दस्सिया तां उहने मना कर दिता भी साडे घरे ना आया कर, उसदी रंजस नाल जी उहने इह वाकिया कीता जी। अच्छा हांजी। अच्छा एसएचओ साहब आपने सुना है इनको, आप बताएं सर अपना वर्जन। सर जी मेरे पास परसों आए हैं रात, इनके पास बच्ची का बेफाम नहीं था, मैंने इनकी बात सारी सुन ली थी, बच्ची ने खुद चली गई थी, इसने निकाह कर लिया था, इनका रिश्तेदार है वो सर, निकाह हो गया था जी सर, निकाह हो गया था। अच्छा वो कह रहे नहीं हुआ था, चले इन्होंने खुद ही बताया सर, मैंने कहा इस बच्ची का ले आए वो बेफाम ताकि टैग लगा। अच्छा अब ये है कि दोबारा फिर मेरे पास नहीं आए, ये आपके रवैये की क्यों शिकायत कर रहे हैं? नहीं सर मेरा, मैं सर आपको पता है मैं कभी एडवियन रहा हूं, मैंने कभी किसी के साथ थोड़ी सी भी बदतमीजी नहीं की, ना मैं बदतमीज हूं सर। यही तो मुझे हैरानी हुई है, यही तो मुझे हैरानी हुई। आप काशिफ साहब से मिले थे? काशिफ साहब से खुद मिले थे। मैंने उनको कहा कि आप ले आए बच्ची का बेफाम सर, ये दोबारा मेरे पास नहीं आए, मैंने आज भी इनको मेरी बात हुई इनसे पहले, मैंने कहा आ जाए थाने बेफाम है मैं आपकी कार्रवाई करता हूँ। बेफार्म नहीं है जी, बेफार्म है क्या साढ़े पास ही जी, आज क्या के बेफार्म लेके आ जाओ, मैं क्या भी हूँ मैं डीपी साहब को चला गया, हम दोनों मिल के फिर आवांगा। अच्छा चले आप अभी जाएं जी, ये रवैये वाली बात तो सारे वो इस तरह अभी उसको कवर करेगा कि आपके साथ वो प्यार मोहब्बत करे और इंसाफ के तकाजों पर आपका मसला हल करे, ठीक है, फिर भी बचत है, ठीक है वो हम इसको इसलिए मौका देते हैं ताकि आपका मसला भी हल हो जाए जी। और वो जा रहे, वो कह रहे हैं कि आप लोग आ जाओ, अब हम देखते हैं इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिल जाएगा तो आप भी खुश हम भी खुश और ऐसे चो भी ठीक, वरना फिर मसला है। काशिफ सर अच्छे तरह से डील किया करो, नेक्स्ट मसला हल करते हैं आपका, आप ऐसे चो के पास जाएं, इंतजार कर रहे हैं आपका। मसला हल करे सर। अच्छा तब तफ्तीश तब्दील करना चाहते हैं? जी 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 मेहरबानी होगी। अच्छा नहीं सर। क्यों सर? वो मैंने उसके मेले मुताजिया की परे पचास पड़े पाँव उसके पकड़े, लेकिन किसी बात पे नहीं आती सर। कौन? वो मेरी नाना दे, वो कहती है जेल जाएगी, पीछे से मैं मकान पे कब्जा कर लूँ। भाई सर मेहरबानी करें मेरी तफ्तीश चेंज कर दे सर, मैं कल बावलपुर पेश पहुँच के मैं बीमार। आपने समझा है मसले को? क्या है सर? वो औरतों के खिलाफ जो है एफ आई आर, उसमें एक जमानत, एक की जमानत के भरम हो गई, अब एक अभी अब उसकी जमानत पे ये कहते हैं हम तो मसला क्या है, बुनियादी मसला क्या है? जायदाद का मसला है। एक मिनट, एक मकान में जान सीम बैठी भी है, वो भी वालद का है, इसमें ये बैठी वही वालद, आधा हिस्सा उसके पास आधा उसके पास है। हमने ये पहले कहते ठीक है मैं वो मकान रख लेती हूँ, नहीं कहा जो आपको लेना है तो वो आप ले लो। अब कहती नहीं वो मकान तो बेच दो, जहाँ मैं बैठी हूँ जिसमें तुम बेच रही हो मैं वहाँ से हिस्सा लूँगी।
हमने कहा अच्छा, दे देते हैं। चले एक तो सर बीबी जो आई है ना सर, ये वाली जमानत, ये वाली सर मैं गरीब औरत हूं, मेरी बहन वो मेरी बहन सर, इतनी दूर जाती हूं। मैंने समझ लिया मसला, अब आपका यह है कि एक तो देखो ना केसेस एक दूसरे के ऊपर आपने किया, लेकिन बुनियादी मसला घर का है, ऐसा है। अभी आपका बुनियादी मसले के लिए हम कोशिश करें, आज केस मुगल की आई हूं, पेशी भी अदालत नहीं, आप मुझे बताएं, मैं मसला हल करने की कोशिश कराऊं। सर मैं तो जाके खत्म करवा रहा हूं। ठीक है, आप एसएचओ साहब ये आपके पास आए हैं कौसर बीबी, और ये केस आपके है नजरों में कौसर बीबी और दूसरी कौन है मुखालिफ? अच्छा रिश्तेदार है सर, बहनें बहनों की लड़ाई है सर। हाँ बहनों की लड़ाई है, और इसकी नेगोशिएशन सर करवाई है, इनका सरबरा है पीर आरफ कोतला सर। ठीक है, वो टाइम ले गया कि इन बहनों की सुलह करवा दे, जस्टिस साहब ने भी इसको दूसरी पेशी दे दी है कि आप बेटा सुलह कर लो। अच्छा, इंसाफ के तकाजों के ऊपर जोर लगाओ, फिर सुलह वही होती है जो इंसाफ के तकाजों के ऊपर हो। ठीक है, आप फिर बताएं मुझे। अब ये देखो ना, ये पर्चे के ऊपर तो ये खुआरी होंगे, तब्दीली तफ्तीश होगी, फिर आप मजीद रगड़ोगे, फिर तब्दीली फिर में रगड़ोगे। चले आप ये अभी आप जोर लगाएगा, ठीक है, तो जो ताउन नहीं करेगा, जो जो बहन फिर ज्यादा मसला करेगी, फिर उसका हम कानूनी एक्शन लेंगे। ठीक है, जो मसला नहीं हल करेगा, सर ने ये कहा है, उसकी बात मानो वरना आप जेल में जाओगे। किसकी? ये सर ने कहा है, उसकी बात मानो वरना आप जेल जाओगे। गलत बात, उसकी गलत बात मान लो, ये कहता है। कैसे जो साहब आप सुन रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, देखिए आपका फैमिली बहनों का मसला है, ठीक है, हम एक दफा फिर कोशिश करेंगे। जज को देखो ना, जज को भी उन्होंने ये कहा है कि बहनों का मसला है, ताकि मसला हल हो जाए इनका। ठीक है, इंसाफ के तकाजों पर हम मसला हल करेंगे, जो ताऊ नहीं करेगा उसका अलावा एक्शन लेंगे। ये बात समझ आ गई मेरी? जो ताऊ नहीं करेगा, मसला हल नहीं करने की कोशिश करेगा, जुल्म करेगा, उसके खिलाफ जो भी बहन है फिर वो आप है या वो है, वो फिर हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। ठीक हो गया, बात खत्म है इसके ऊपर। सर हमने बोर्ड पे गए थे, बोर्ड का वो तो अब बात खत्म हो गई ना, वापस ली इसकी क्या, वापस ली है हमने, वापस कैसे ले ली बोर्ड? मैं अभी समझूंगा आगे, अब तो मेरे पास आप लोग आ गए है ना जी। अब या आप जुल्म करेगी या आपके दूसरे बहन जुल्म करेगी, मैंने फिर उसके खिलाफ एक्शन लेना है। ठीक है, जय पुलिस क्या कर सकती है पर आपके इस मामले में? ओ सानू सद्दे सी ते फिर फैसला नहीं किया, कोई भी सदी रखा ने ने सद्दे बुलेंदे, मैं आखा भाई कार्रवाई की जावे। खिलाफ पर्चा दे दिता, मेरी बच्ची ते भी, मेरे ते मेरे बच्चे ते। अच्छा, औरत ने अपने बेटे का निकाह किया एक औरत के घर, जो दूसरी इसकी रेस्पोंडेंट नंबर टू है, उसके घर निकाह किया, निकाह में ने उसे कुछ पैसे भी दिए, उन्होंने भी इसे कुछ पैसे दिए, उसके बाद वो इसे अपनी बेटी नहीं देना चाहते, वो अपनी बेटी का कहीं और करना चाहते हैं, ये चाहती है कि जनाब ये मुझे अपनी चीजें वापस कर दें। उन्होंने इसके खिलाफ रिट की भाई में लास्ट टाइम ये आपके पास पेश हुई थी, हमने इसको बुलाया ही नहीं, इसके हक में कमेंट्स बना के वो रिट हमने अपने तौर पर खारिज करवाई है कोर्ट से जाके। अब ये चाहती है कि वो या तो मुझे बेटी दे या मुझे जो कपड़े वगैरह दिए हुए थे वो दे। वो कहते हैं कि हमने भी इन्हें कुछ दिए हुए थे कपड़े वगैरह, जैसे लड़के वालों को देते हैं, तो वो उनमें बराबरी हो गई है। सर ये इनकी सूरत हाल है, इनका टोटली एक फैमिली साइज इशू बाकी रह गया है, वो भी इस औरत को मैंने कहा है कि तरीके से हम आपको हल करेंगे, ये पुलिस की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। ठीक है, हल कराएं। हां नहीं नहीं, हम फादरली फिगर की तरह लोगों के घर के मसले भी अजारे मसले वरना तो फिर लड़ते रहेंगे, फिर हमारा भी टाइम जाया कर जाए। ठीक है, आपने एसएचओ के पास अभी एसएचओ رابطہ کرے گا جشان رابطہ کراؤ آج سے تک آپ کے مسئلہ بٹھا کے حل کرائے گا ابھی سر پہلے بات کروائی وہ ادھر آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے حلف نہیں کرتا کیا حلف نہیں کرتا میں کہ ساڈے بارے
कोई सोचो कोई साडा ही करो हल करेंगे ना अभी ऐसे चुप कह रहे ठीक है हल करेंगे अभी आप जाएं वो मेरे कहने पे ही कर रहा है ना ऐसे चो मैं ही करूंगा मैं ही करूंगा उसको उसको समझाओ बीबी को गंदा काम मेरी माँ आप मेरी माँ है आपका मसला हम हल करेंगे आप यकीन करें ठीक है ऐसे चो जमान आपका मसला मेरे कहने पे हल करेगा ठीक है दो चार बंदे भी बिठाएगा बीच में आपका मसला हल करेगा ठीक है आप दोनों हमारे लिए बड़ी मुहतरम हो ठीक है जय दुनिया से जीता जीता बच्चा दी हयाती है आपका मसला हमारे गले फिट है ठीक है हमारे गले फिट है आपका मसला हम हल करेंगे हमारी जिम्मेदारी है ये ऐसा ही है हम हल करेंगे आप हमारी मदर है जी मेरे भाइयों ने ना दुकाना बेचिया 50 लाख मेनू बुलाया उन्होंने विरासत का मामला है जी हल नहीं हो रहा विरासत का मामला सर जी असी दिता सी उथे की भाई आप साथ हैं विरासत का मामला क्यों हल नहीं हो रहा मसला विरासत का नहीं आज दुकाना को उन्होंने बेचिया सी मतलूब साहब के पास जाए हाँ जी वो आपका मसला हल करेगा ठीक है विरासत के मसले को हल करने में भी हम कोशिश करेंगे ठीक है विरासत का मसला लड़ाई का मसला जी लड़ाई मसला उसी की वजह से है ना हाँ, उसी की वजह बिल्कुल तो ये भी हल करेंगे वो भी हल करेंगे ठीक है आपकी लड़ाई खत्म करेंगे ताकि आप सुकून से जियो ठीक है ठीक है जाए ऐसे एचओ साहब ने सुन लिया है अच्छा जी ठीक है सुन लिया है हाँ अभी आपके साथ उतरू कराएंगे एचओ के साथ आप जाए आपका मसला हल करेंगे आप हमारे पास आ गए आप जिम्मेदारी है हमारी ठीक है नाजिया बीबी आपके करीबी रिश्ते कौन हाँ हावन हाँ जी जो रानी बीबी है ना वो बहुत बुरी है उसने बुराई का अड्डा खुला है नजायज गलत काम कर दिए कि मेरा मियां उसके साथ आप ये कौन से एस एच ओ की बात कर रही हैं हाँ जी एस एच ओ कौन है एस एच माजिद उसकी बात कर रही हैं नहीं जी उसकी मैं बात नहीं कर रही मैं हाँ। अपने मियां की गल तो रानी बीबी जो है ना उसकी बात कर रही रानी बीबी है जो ना वो उन्हें ना नजायज बुराई का अड्डा खोला है नजायज गलत काम करवा दी मेरा मियां उसके साथ रहता है अच्छा मैं समझ गया ठीक है बीबी आपका मसला इधर लिखा हुआ है सारा ठीक है मैं समझ गया हाँ जी हाँ ये लड़ाई झगड़ा है आपका ठीक है अगवा करने की कोशिश है ये बच्चों की वो आपका पिछला हावन है ठीक है अच्छा अभी माजिद पिछले साल मेरे बच्चे अगवा हुए ये है नाजिया बीबी ठीक है इसका अपने ही शोहर के साथ मसला है ठीक है घर का मामला है तो आपको समझ ही है कि घर के मामला हम अब फादरली फिगर बन के तो दो चार बंदों को मुअज्जिज़ीन आप भी हैं माशाल्लाह से बाकी मुझे उनको बिठा के इनका मामला हल करो ठीक है जो भी बुनियादी मसला है ठीक हो गया तीन दिन में बीबी आपका मसला हम हल करेंगे ठीक है ठीक है माँ जी साहब भी हल करेंगे हम इधर से देखेंगे जी होना चाहिए मैं ना कि थाने में मेरी बात नहीं अभी आप जाएं आपको जिशान वगैरह थ्रू कराएंगे ये बहन आपके थ्रू कराएगी बेटी हमारी ठीक है जाएं कोई नहीं ज़ाहिर है मसला तो है ना कोई छोटा मोटा ही होगा लेकिन मसला तो है ना सेटल तो करें ये तो पहले भी आई थी दो बार आ चुके कार्रवाई तो तभी होगी ना कि मेरिट पे होगी होगी क्या है मसला क्या है जी मसला तो जमीन चला जो अपना माई का चला मेरा बीबी वाला वो ना तो सानू जमीन वावन जाते अपना ओ तो साडे चार दीवारे च तकदस संभाल किया ने साडे ताले तो रजाक साहब ये जरा बताइएगा ये मेरा बीबी तो पहले भी आई है आपने भी शायद सुना होगा या नहीं सुना क्या है मैं गरीब नहीं आ गई नहीं सुना जमीन का इशू तो मेरे सामने सर ऐसा नहीं है जो क्रिटिकल चल रहा है मेरे पास नहीं है अच्छा आपके पास नहीं है
ये 449/23 पत्ता जी सर, मुझे आ गया सर, ये 449/23 मुकदमा है 324 का। तीन कनाल जमीन की वजह से बिजली का इशू बना था, इसने पहले एक भाई को दी थी फिर दूसरे को दे दी, उसको इसने नाम नहीं कराई, बाद में इसने कब्जा लेने के लिए चले गए, भाई एक भाई इसकी तरफ हो गया, दूसरा भाई दूसरी तरफ, वहाँ पे सर फायर लगा, 324 का पर्चा हो गया, क्रॉस वर्शन है, उसकी तफ्तीश हमने फाइनल कर ली है सर। पहले ये पंचायती तौर पर कोशिश की है काफी इनकी हाल कराने की, क्योंकि फैमिली इशू है, तो जमीन के पैसों का भी हमने कोशिश की है, उसको जो इसने लिए थे या उसके वापस करा के जमीन का वो भी हल करवाएंगे, तो वो उस कर रहे हैं सर। ये दोनों क्रीपी फैमिली का है, दो भाई और एक बहन है, ये उनकी बहन है सकी, तो ये इशू है सर, कोशिश तो मैंने बहुत की इसको बिल्कुल वो पर्चे वाला मामला भी हल हो जाए, जो है ना चल रहा है सर, मसला हल नहीं करना चाहते आप लोग? नहीं जी, करना चाहते। कैसे हल होगा आपके मुताबिक? ऐसे थोड़े मर्जी तो आपके को समाप्त कर लो, किसी डीएसपी को। ठीक है, मैं रजाक साहब मंजे हुए अफसर हैं पुलिस के, ठीक है, इसलिए हमने भेजा हुआ है, मेरिट पे लगाया है हमने, ताकि वो गरीब लोगों की मसले हल करें। जी जी, तो वो आपके मसले हल करने के लिए उधर बैठे हैं, ठीक है, जैसे मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आप लोगों ने जाना है उधर, ठीक है, ताउन करना है, ठीक है जी। केस तो आपका चल रहा है, लेकिन लड़ाई झगड़े कब तक करोगे? लड़ाई झगड़ा फिर भी होगा। नहीं जी, मासी तो दो घर बैठे हैं, वो 50 मसला क्यों हल करने करते बहन भाई हैं आपस में? मसला फरीक बना कर आपने जी, एक मिनट बात सुने जी, जी रजाक साहब हैं उधर SHO। हां जी, हां जी जी, जेड़ा ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਦੂਏ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਨੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਜੀ ਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਆਏ ਨੇ, ਤੋ ਇਹ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਏਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਆਪ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਗ ਆਇੰਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਪਸੰਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਦਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਊਰਨ ਕਾਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੇ ਚੋਨੇ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ जी सर, तो मैंने आपके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई करा देनी है। ठीक है, ठीक है जी, आ जरा साढ़े ताले तोड़े ने घर वाला जरा साढ़े चार दीवार, तो ये पर्चा तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है ना सर, ये 324 का अभी ये हमलावर पार्टी ये कहते हैं रेड के बाद हमलावर अभी भी आप मैंने कर रहे हैं चोरी हुई है, अभी उन पे चोरी पे FIR दे, मैंने कहा ये तफ्तीश फाइनल कर लेते हैं, जो अगर एक्स्ट्रा कोई इशू है तो देख लेंगे। आपको लड़ाई का बहुत शौक है आप लोगों को? नहीं जी, नहीं जी, ऐसे तो फिर आपको हम लड़ाते हैं फिर प्रॉपर बंदे हैं जैसे, कदों लड़ सकते हैं, इसलिए फिर मसला हल करो, जाओ ना बैठ के SHO के साथ, चार बंदे हैं ये, हां वही तो मैं पूछ रहा हूं, मैंने देखो ना DPO ने आप मेरे पास दूसरी दफा आए हैं, ये टाइम कीमती है लोगों का, और ये हम इस तरह के लोगों की बात है जो शरीर लोग खुद से टाइम जाया नहीं करेंगे, अगली दफा मैंने आपके खिलाफ कार्रवाई कर देनी है, ठीक है, अगर आप लोगों ने इसी तरह सरपसंदी की। ठीक है, ठीक है, बस इनको मौका दे रहा हूँ, ठीक है सर, मैं दूसरे जगह से भी एक रिपोर्ट लूंगा, ये तो ऐसे तो काम कर रहे हैं ना, मैं और तरह से भी आपकी एक रिपोर्ट लूंगा, अगर इस दफा भी आप लोगों ने जाके ताऊ नहीं किया, ठीक है, मसला हल नहीं किया, ठीक है जाए फिर मैं देखूंगा, ठीक है मैंने सुन लिया है बात, आप जाए मैं देखूंगा, हाँ मैं देखूंगा, आप जाए 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 दीदी मुझे पता है आपका घर का मसला पर क्या बना, ये कोई मसला, लेकिन वो मसला हल कैसे होगा ना, आपका ससुर एक तरफ, आप भी लड़ाकू हैं, वो भी लड़ाकू है, क्या करेंगे? DSC साहब ने कहा अपने घर बैठा दे और बैठा दिया है, कान बना लगा मैंने बड़े तफसील से आपका मसला पहले भी सुना था, ठीक है, तो आप भी लड़ाकू थी जी? आपका ससुर भी लड़ाकू था, आपकी दोनों की बंद नहीं रही थी आपस में जी? नहीं, मेरी आप कैसे बनेगी, आप दोबारा क्यों आई है मेरे पास जी? मेरा घर DSP साहब ने लिख देता भी आंदा घर इन्हू दे दियो नुकसान में, DSP कौन सा निशान साहब ने DSP साहब क्या लिखा जी? वो मेरिट नहीं होया तकसीम कैसे करेगा ना, किधर लिखा है तकसीम वाला मामला? झगड़ा बढ़ने का अंदेशा है, शमलात हैं, जमीन तो किसी के है नहीं कि बंदा कहे, और वो अगर है भी तो आपके ससुर की है, कब से तो उसका है, मेरा है, मैंने सुना था, आप मुझे याद है अभी भी, ये केस मुझे याद है,
आपका हवन जिंदा है अभी ऐसा है तो मैं बहुत गौर से सुना था, मुझे याद है आपके आपका मसला, आधा घंटा लगाया था मैंने, इसलिए मुझे याद है आपकी हम मदद कर सकते हैं, आपका हक नहीं है, हक आपके ससुर का है। अब आप क्या चाहते हैं इस पे बात करें जी? हक आपके ससुर का है इस घर पे जी, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने, मुझे पता है, मैं तो एवे लए ते फिरनी है रोड। डीएसपी मुतल्लिक का कोलिको, आपका ये कौन सा है थाना? गमांडपुर से, गमांडपुर, ठीक है। डीएसपी मुतल्लिक का और एसएचओ भी, हाँ मैंने एक दफ़ा बात की थी एसएचओ से भी बात की थी, डीएसपी से भी बात की थी, कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके इनका मसला अदरवाइज हल करें, ठीक है, खैर करनी चाहिए, वो ठीक करे, बच्चों के हैं, हक आपका नहीं बनता लेकिन आपकी मदद करेंगे, ठीक है, जाए मदद कराओ इनकी, रिजॉल्व करवाओ इस इशू को, दोबारा बोला नहीं। मुझे पता है बीबी, सारा मसला मुझे पता है आपका, आपको मैंने इतने तफसील से सुना था कि मुझे एक एक बात याद आ गई है, लेकिन इसका मसला हल करना है, अदरवाइज अगर पुलिस का मसला नहीं लिया। मकसूद साहब, मेरी मलकियत है, बात कराओ जरा एसएचओ से, आप एसएचओ के पास गए हैं? अच्छा एक मिनट, ये इंक्वायरी लगी है, एक मिनट, इंक्वायरी में क्या हुआ है, क्या है इसके इसके हक में है? ये तो आपके खिलाफ आ गए इंक्वायरी। आपका हल्फन पैसे में, मैं कहता हूँ हल्फन इतने कब्जा करवाया, ला 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 ला, बात करवा सकते हैं पैसे लेके कब्जा करवाया है, अल्लाह की कसम, तो मैंने इंक्वायरी भी इस पे कर ली है ना इधर। नहीं सर जी, ये इंक्वायरी गलत की है, जो डीएसपी साहब है वो भी उसके साथ मिल गए। ये इंक्वायरी किसने की है? आसिफ सईद साहब ने की है। ईमान से गलत, मैं किसको दूं मैं इंक्वायरी? सर जी आप इंक्वायरी कर ले, आप इंक्वायरी, मैं अल्फन कहता हूँ, मेरे कब्जा है ये मेरी। एक मिनट एक मिनट जी सर, अभी आप जाएं आसिफ सईद साहब के पास, बैठे हैं उनको समझाएं जी सर, तो वो मेरी बात नहीं मानते, मैं उनके तो बात नहीं जानता, किसके पास मैं आपको भेजूं? मेरे आप कर रहे हैं इंक्वायरी, मैं अल्फन कहता हूं, आप इनको बिठाएं साइड पे, आप खुद सुन लो फिर आखिर में मुझे बताओ, ताकि इसका ये भी तसल्ली पूरी हो जाए कि मैंने खुद सुन लिया, ठीक है, आप साइड पे बैठे, थैंक यू। इंक्वायरी दोनों आपके खिलाफ आ गई है, गलत की है उन्होंने, अल्लाह की। चलो मैं समझूंगा, साइड पे जाएं, मैं भी मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, बैठ तो जाऊँ ना अभी साइड पे, आपके हम सुनेगा ना निशान सुनेगा, हम लतीफ है, बैठे कि क्या लेख लिखा है मुस्तईस से, क्या मुस्तईस अस्सलाम वालेकुम सर, आपके बेटे की मेहंदी थी जी। तो इसलिए आपको नामजद कर दिया, फायरिंग किसी और ने की थी जी। तो ये तफ्तीश कौन कर रहा है? रियाज सर, रियाज ऐसे रियाज है, रियाज है मंडी सादिकगंज है, ठीक है, अभी कैसे चुके तो फोन पे बात करा मेरी आपके पास एक एप्लीकेशन भेजूंगा जी सर, ये मोहम्मद लतीफ साहब हैं, पर्चा भी हुआ है, पर्चे के फायर का नंबर नहीं लिखा गया जी सर, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे बेटे तसव्वुर की मेहंदी थी तो फायर किसी और ने किया और मेरा और मेरे बेटे के ऊपर पर्चा हो गया, फिर इसमें कुछ एलिगेशंस भी लगी हैं, गुनाहगार करने की धमकी देता रहा, 35,000 लिखा है कि रिश्वत ली गई, कोई 2,50,000 की बात भी लिखी है, ठीक है, ये आपने अभी चूंकि आप गए हैं और ज़ाहिर आपको हमने इसलिए भेजा है ना कि आप सीधा सीधा हमारी तरह हमारे मिशन के मुताबिक हम आप करेंगे काम, ठीक है, इसलिए मैं आपके पास दोबारा भेज रहा हूँ,
आपने समझ के तो 3 दिन में हमें भी इन्फॉर्म कर देना है, रिपोर्ट भेज देनी है कि क्या है इसमें हकीकत, ठीक है? फिर उसके हिसाब से ताकि तफ्तीश चल रही है, वैसे मुकदमा होगा कोई, कौन सा है मुकदमा? ये 338/23 तो अगर जो आपको समझ आए फिर मेरिट पे तफ्तीश भी चलानी और हमें बता देना है कि ये है मामला असल, और तब तफ्तीश भी उसी तरह चले, और अगर इसमें कोई एक्सेसिव हुई जो एलिगेशन लगा रहे हैं फिर वो आपने हमें बता देना है, फिर उसी हिसाब से चलाएंगे आगे, ठीक है? हाँ वही ठीक है, दिस इज सीरियसली, ठीक है बाबा जी, इंशाल्लाह इसमें मुझे 2-3 दिन काम कर लेने दे, इंशाल्लाह फिर करेंगे फिक्र। चलो बात करो वैसे तो से। अच्छा काशिफ, ये रियाज अहमद साहब आए हैं, हमारे बाबा हैं, ठीक है, और अपने बेटे से इनको गिला है, ठीक है, और हाँ बताओ। इसमें सर इसका बेटा है आमर, हाँ उसने एप्लीकेशन दी सर 10-12 को, हाँ इनको बुला लिया, उसने कहा कि मेरा जो वालद है ना वो चला गया मेरी बहन के पास, तो 7 लाख रुपया बैंक से निकलवा लिया, बाबा जी को बुलाया, उन्होंने कहा जी मैंने 3 लाख अपने बेटे को दे दिया है और बाकी मैंने मेरी जो इसकी है नवासी उसकी शादी पे लगा दी और 4 एकड़ का इंतकाल भी मैंने इसको दे दिया है। वो बाबा जी को बुला के सुना, इन्होंने जाते हुए एप्लीकेशन दे दी कि 30,000 मेरे बेटे ने मुझसे छीन लिया है, लेकिन वो दी इसी रंज में थी कि मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन क्यों दी, लेकिन मैं दोबारा इनको बुला के सर सुलह करवा देता हूँ। हाथ पैर दे बाप बेटा है जी सर, मैं सुलह करवाता हूँ। हाँ जो भी थोड़ी सी ज्यादा कर रहे हैं उसको थोड़ा सा जी सर ठीक है, का किरदार हमें अदा करना है, ठीक है भाई, आपका इजाला हम करते हैं शिकायत का, ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है, हम आपका ख्याल रखेंगे, ठीक है। हाँ काशिफ, काशिफ साहब के पास, हाँ जी आपको ये बताएंगे अभी, काशिफ साहब के पास आपने जाना है। अच्छा चलिए, तो अच्छा है कि आपकी चोर भी पकड़े गए हैं, बरामद भी कुछ हो गई है लेकिन पूरी नहीं हो रही। अच्छा हेलो जी जनाब वाला, अच्छा ये 449/23 है, 449/23 सर, हाँ वो कह रहा है कि चोर भी पकड़े गए हैं सर, ये इसके मेरे आने से पहले 26-8 को इसका चालान बना है, इसमें सर 6 सोलर प्लेट थी और एक इन्वर्टर बैटरी थी इसकी, इसमें सर 1 सोलर प्लेट और अपना 20,000 रुपया रिकवर हुआ है सर इसमें पहले मुझसे, अब मजीद सर इसकी होती है इंशाल्लाह इसको मजीद मैस किया कर सकता हूं। आप जाएं एसएचओ के पास, ठीक है, एसएचओ तो भी लगा है ये वाला, ठीक है, आप जाएं एसएचओ के पास और इंशाल्लाह ये बाकी जो आपकी चीज़ें अभी नहीं मिली वो भी जोर लगाएगा, रिकवर करवाएगा, ठीक है, हमारे पास नोट हो गया, हम भी इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। बता दिया एसएचओ ने, लेकिन इससे पहले का काम था ये, ठीक है, अब ये काशिफ को हमने इसी वजह से भेजा, राज साहब जो है ना उन्होंने बड़ा काम करके हम लगवा के देंगे, ये स्कूल की प्लेटें हैं जी, हाँ हाँ परेशान ना हो, फराज तो जिले से बाहर चला गया ना उसको, तो पता नहीं सर पास ऐसी भी सोच है कि, लेकिन अब ये जो गया है ना इसको भी हमने इसीलिए भेजा है, काशिफ तगड़ा लड़का है इंशाल्लाह, ये काम करके देगा आपको, बड़ी मेहरबानी, ठीक है, मिलेगा, स्कूल का काम है ये, इधर जिशान से आपने रहना है रब्ते में, अब हमारे भी पास आप लोग आ गए हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, ठीक है, वैसे भी हमारी जिम्मेदारी थी लेकिन इंशाल्लाह आप तो खास करके बेफिक्र करें जाए। अच्छा जी बताएं क्या मसला है आपका? सर मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। अच्छा चोरी हुई थी कब? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए हैं सर, ना सर मोटरसाइकिल मैंने लग गया, कोई शहर नहीं लगी, मेरा खर्चा ही खत्म हो करता है, 2 बार मेरे को पैसे भी मुश्ताक साहब ने लाया नहीं, गड्डी का खर्चा करके, क्या गड्डी का खर्चा के अंदर चोर फटन जाना है, कब मतलब 6 माह हो गया है सर। 6 माह तो पुरानी बात है, अभी जो ऐसे छुप गया है जी सिटी ए चिश्तियाँ, हाँ जी एस एच ओ साहब हूँ तो जो बड़े अच्छे ने उन्होंने मैंने क्या गया बेटा तेरा केस ही खत्म हो गया, खत्म हो गया लेकिन वे भी हम उसे बताएंगे कि उसको सर सब्स करे, ठीक है, और उसमें मेहनत करे, आप भी साथ में मेहनत करेंगे। थैंक यू सर, अच्छा ये कर लो, ठीक है, लेकिन बात ऐसे जैसे फिर भी मेरी कराओ, काम तो ऐसे जो नहीं करना, ठीक है,
डीएसपी साहब हम कर रहे हैं ताकि तुम्हारा केस दोबारा हमसे फेस करें, ठीक है सर, फिर पकड़ेंगे उनको, आपको चीजें बरामद करके देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा इधर वो कर लो, काम ऐसे चुने करना है, लेकिन वो डीएसपी भी देखे इसको। अकमल जी, अकमल साहब जी, वाले सलाम। अच्छा मिल गया था कोई वो, चलो सदर बाहुल नगर से करो बात। अच्छा पैसे आपने 1,30,00,000 अदा कर दिए हैं बजरिया चेक। अच्छा कब का अदा किए? अच्छा राव साहब ये हमारे पास वन सलाम अकमल साहब आए हैं, थाने नहीं आए आपके पास सर, लेकिन चलो कोई नहीं, मेरे पास आ गए हैं। तो अब यह है कि 1,03,00,000 का वो करें कि मैंने अदायगी की है या दनवेली बहावल नगर वालों को सर। तो कब्जा तो उन्होंने कहते हैं कि दे दिया है, लेकिन इंतकाल से टाल मटोल कर रहा है सर। तो और रजिस्ट्रेशन ये वो छोटा मोटा मसला है, चले आपके पास आएंगे, इनका मसला हल कर दें। जी शरीफ इज्जतदार बंदे हैं, ठीक है, ठीक है, मसला हल करते हैं आपका। राव साहब साहब ने मिलना है, ठीक है, राव मोहम्मद अली एसएचओ सदर है, आप कराते कराते हैं, हाँ टाइम पे आप जाएंगे ताकि इंतजार भी ना करना पड़े आपको। काम हमारा नहीं है लेकिन मसला हम हल कराएंगे। अच्छा जी बैठे बैठे बैठे, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम सर, हो गया। चलो एसएचओ से बात कराओ। सर एसएचओ कौन? रजाक साहब। अरे समझ लिया छोटे, डोंट वरी आपका। अच्छा आपने बताना बता दो, चलो कुछ आप बता दो, दिल के बड़ा से निकाल लो थोड़ी सी, चलो मसल तो मैंने समझ लिया। बताओ दिल पकड़ो बताओ, आप तो आ गए ना डीपीओ के पास बैठे हो, बताओ खोल के। हाँ बता दो सर, 2,50,000 में रोज आज उन्होंने रेट वापस ले ली, ठीक है, उसके बाद 2,500 के डाल दोबारा क्या 2,500 में अपनी बीवी के साथ जी पेश हुआ जी, रेट उन्होंने वापस ले ली पहले जी, अपनी बीवी ने बंद करके मेरे खिलाफ की थी जी, मोहम्मद अमीन ने जी उन्होंने चाचे ने अपनी बहर डाले बिठा के जी, तो झूठे पर्चे दो करवाए, ठीक है। अच्छा रजाक साहब बात सुने, देखा ये छोटा है ऐसे बात भी नहीं हो पा रही, आजम है, ठीक है सर, सर। तो जो है आप इनका 523 और 524, ठीक है जी, ये बेचारे ने इनके लव मैरिज हो गई है, तो कौन सा इतना ये बड़ा है, चलो जो हो गई तो हो गई, कौन सा इतना है, ठीक है, तो अब इतना तो भी नहीं है कि लोगों को हम, ठीक है आप इनकी मदद करें, इनका मसला हल करें बड़े की तरह, ठीक है। इनकी अर्जी है कि सर इनके घर गए हैं पता करने बाद में मेरे इल्म में आया कि एफआईआर के बाद उन्होंने अपनी लड़की को सेट कर दिया है, हां एफआईआर करवाई है, अपना दूसरा चोरी वाले लकड़ी वाला वो महकमा माल की रिपोर्ट्स पे हुए हैं, इन्हें हमने अटेंड करने की कोशिश की है, सीएमएस एप्लीकेशन पे भी भाई है, इनका कोई बंदा हमारे सामने नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो डर डर जाते हैं आपको पता है, लोग डर डर जाते हैं, आपके पास नहीं है थाने लिखा है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, आपने अभी जाना है रजाक साहब के पास, ठीक है, आपका मेरिट हम कराएंगे, ठीक है, मसला हल कराएंगे, ठीक है, जाओ आपको थ्रू कराते हैं, जाकर मोहम्मद जाकर, ठीक है साहब मदरसा से, बैठे बैठे ये बात करा उसे चौसे सर, ये वाली आपने कहा था कि हमारी सुलह हो गई अगले दिन थाने में, नहीं जी नहीं नहीं जी, थाने कौन गया था आपका, कौन गया था थाने, थाने मैं नहीं गया, आप नहीं गए, नहीं गया,
कोई बड़ा गया होगा आपका? नहीं जी, बड़ा ही नहीं गया जी। कोई भी नहीं गया? बुदाई मैं हाँ जी, मेरे तो अलावा। आप थाने नहीं गए? नहीं गए जी। अच्छा, हाँ जी। ये 52,000 लिखे हैं, 52,000 तीन सौ क्या लिखा है? 50,000 एक जी, 2300 रुपया रोटी वास्ते लिया। अच्छा, रोटी वास्ते लिया। नहीं मैं थानेदार। और ये लड़ाई झगड़ा उन्होंने क्यों किया था आपके घर आके मुखालफी? उन्होंने घर के नाल जी साढ़े भट्ठे जी, बकरियां दो तीन दफा उन्होंने अगे जान तो छड़िया ना सी। एक बंदे ने भी आख, उन्होंने आप नु भी आख, बकरियां तुआड़ियां तुसी आदे मुफाद वास्ते रखे, उन्हां दा ध्यान करो। क्या के बकरियां? बकरियां जी हां, पठन विच छड़ देंदे जी उन्होंने घर वो या आप? ओ जी वो छोड़ देते थे। हाँ जी हाँ। आपकी जमीनों पे? हाँ जी। कितनी जमीन है आपकी, कितना है रकबा? रकबा है जी 10 किले। दस? 10 किले। 10 किले? हाँ जी। 10 एकड़? 10 एकड़। तो उन्होंने आपकी जमीनों पे वो क्या था? बरसीन है जी, पट्ठे पट्ठों के बकरियां छड़ी। तो फिर आप लोगों ने उनको, उन्होंने बकरे छोड़े? उन्होंने बकरियां छोड़िया जी राती 10 बजे आन ते जी घरे साढ़े बखे पै गए, फायर भी किए इन्हें जी। बकरियां उन्होंने छोड़ी फिर आपके घर भी वो आए? हाँ जी, राती 10 बजे जी, बैक साइड थे। लेकिन लेकिन बकरियां भी तो उन्होंने छोड़ी थी ना आपके, फिर आपने कुछ नहीं किया आप लोगों ने? असी जी उन्होंने आखा ना जी, आखा बकरियां मोड़ा ना खेड़ा है जी। चलो इस पर इंक्वायरी कराते हैं, इस पर इंक्वायरी कराओ। ठीक है बेटा, इस पर इंक्वायरी कराते हैं। मैं बस में निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ, टाइम नहीं है। right, अच्छा तो जो है इस पे इंक्वायरी कराओ। इंक्वायरी कौन करेगा भला इस पे? इंस्पेक्टर नहीं लगा हुआ इधर? चलो मुतल्लिक का डीएसपी कर लो। ठीक सर। ठीक है, आपकी इंक्वायरी कराते हैं डीएसपी मुतल्लिक से, आपका मसला हल करेंगे। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। इसमें चलो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में वो बातें जो एलिगेशन है वो क्लियर हो जाएंगी। अगर साबित हुई तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह देखेगा, आप देखें। ठीक है, लेकिन अगर आपके खिलाफ है तो आपका ओके हो गया। नेक्स्ट जी, कैसे आए हैं आप हमारे पास नियाज अहमद? माज में ले जाता समंदर से, हेलो। हाँ रिजवान, इससे पहले वाली दरख्वास्त भी आपके रिलेटेड थी, वो कोई नहीं, मैंने पता नहीं क्या जो भी किया था। चलो उस पर तो मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ अभी, कोई बात नहीं, अभी उस पर तो मैं इंक्वायरी हम कराएंगे, अभी समझेंगे कि वो क्या हुआ है, पर ज़ाहिर उसके मुताबिक आगे देखेंगे। अगर उसमें डिले हुई है तो जो जो भी उसमें रगड़ में आगे वो आ जाएगा। लेकिन ये बिनियाज में अहमद आया हुआ है, ये मुझे कह रहा है कि मैं रकबे पे मौजूद था तो इज़ाम अलैहान अकरम वगैरह मुसल्ला आए, धमकी दी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कब्जा करना चाहते हैं, बैन समानत दी थी वो भी गायब कर दी, दरख्वास्त आना दी थी कार्रवाई ना हुई। लेकिन मुनीर ये भी कह रहा है कि साजिदा बीबी की दरख्वास्त जेर दरियाफ है ताना इसके खिलाफ, जो आज 3 बजे ताने का पाबंद किया था। आप थाने क्यों नहीं गए? आपको ताने का पाबंद किया था 3 बजे? जी मैं माजदी पर जाना, माजदी पर मेरी काई नहीं सुनते, मैंने जी थाना ही ना, मैंने माज ला गए रात न। आपको अभी पाबंद किया था ताने जी? हटते दोबारे हट मोड़ा, मेरे को हम कब्जा कर दे मैं जमीन का ताना मेरे साथ। देखिए बात तो होगी मेरिट पे, इंसाफ वाली बात होगी। ठीक है ना, किसी और का हक आप ले सकते हैं ना कोई आपका हक ले सकता है, ये है अब मामला। ठीक है जी, अब आप जाएं थाने, आप इधर क्यों गए? आप तो थाने जाना था आपको, 3 बजे का टाइम दिया थाने जी, मैं गया आपको 3 बजे का टाइम दिया था थाने। आज आप मुझे जवाब दें, आज बुलाया था आपको थाने वालों ने? तीन बजे बुलाया ने, बुलाया सर जी मेरी मज दे, वो बात तो सुनेगा ना फिर, अगर नहीं सुनेगा तो फिर हम पूछेंगे। वो मेरी मज खादी खड़ा है, इससे बजा तू ना कि तब मज ऐसा खा लिया, ऐसे छुका हुआ कह कड़ा है पुलिस वाले, मज ही खा गए हाथ पुलिस वाले, जमीन पे कब्जा ही कर दे पुलिस वाले, मानी कर जी थाने वाले जेड़ा ना आंदा। आप मेरी बात तो सुनो, पुलिस वाले आपकी मज कह खड़े हैं? पुलिस वाले जी दिती बशीर, बशीर नु बशीर अगा दे दी, अल्लाह जन तक किनु दिती? हां
बशीर जी आ रहे हैं। तो अभी आप जा क्यों नहीं रहे पुलिस वाले के पास? पुलिस अच्छा क्यों पंजे नहीं गए? क्यों पंजे नहीं गए? रोटी दी मोदी हर शराफराज दी समाणी तो देखो ना, आपने उनको जाके बताना है ना, तो उन्हें मसला हल करना है आपका। अभी आप क्यों नहीं गए? मुझे हैरानी है कि आपको अच्छा ठीक है, शायद आपको ये लग रहा है कि आप बार बार जा रहे हो, मसला नहीं हल कर रहे आपके थाने वाले, ऐसा है? ठीक, आपको समझ, आप ये समझते हैं कि थाने वाले बार बार आप जा रहे हैं, मसला नहीं हल कर रहे आपका, यह है मकसद? अच्छा नहीं समझ रहे हम, आप समझाओ जरा। चले इनको भेजे, ठीक है आप जाए, रिजवान इसको देखो, खुद देखो, ठीक है जरा इस तरफ भी आ जाओ, ये जो लोग आते हैं मेरे पास आपके, उनको जरा अपने तनाजानों को भी जरा करो कि वो सीधे हो जाएं, ठीक है? इस केस को भी अगर आपने हल ना किया ना, तो ये नोट कर लो, मतलब उसने आपके तनदार ने सही तरीके से हल ना किया, छोटा मोटा ये इतना टाइम जाया करवा रहे हो, तो हमने उसको जो है तफ्तीश को इसमें शोकाज दे देना है। जी सर, ठीक है, चले आप जाएं, हल करते हैं आपका मसला। नबील अहमद हो गया? अच्छा, बात करा उसी से? हाँ माजिद, ये तो 302 का केस है। कौन सा सर? ये 193/23 है। यस सर, ये सर एक बल्दिया का मुलाजिम था सर, इसकी बॉडी मिली किसी रात के वक्त, वो जो डिस्पोजल वेल होते हैं सर वहाँ पे, तो ये सर ब्लाइंड था उस वक्त, उसके जो सस्पेक्ट थे सर उनका, उनकी सर हमने फोरेंसिक करवाई, पॉलीग्राफ टेस्ट तक करवाए गए सर, तो नामजदगी इनकी तरफ से भी नहीं हुई थी, किसी पे डाउट वगैरह सर इनको नहीं था, तो अभी सर उस पर कर रहे हैं सर, कल भी मैंने इस पर काम किया है। अब सर जो सस्पेक्ट हैं सर उनका DNA करवाना है, जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस सर कलेक्ट की थी उनको मैच करवाना है सर PFSA से, अल्लाह करे सर वहाँ से इंशाल्लाह कोई आगे निकल आए बात सर। आप बताओ बेटे, कोई बात बताओ आप। सर जी मैं तफ्तीशी के पास गया था और ये 9 महीने हो गए, फिंगर प्रिंट कभी घर आ रहा है कभी घर नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा, झूठ मारी जा रहा है सर। तफ्तीशी तफ्तीश जी कह रहा है 9 महीने हो गया फिंगर प्रिंट अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कभी कह रहा पीर को ला, कभी कह रहा मंगल को आ, ठीक है मारे को ला रहे दिए जा रहा। अब यही मेरे पता, तफ्तीश ने उनसे पार्टी से पैसे खा लिए, जिन्हें खा लिया हमको बता नहीं, नहीं ठीक है। अच्छा ये मसला है, हाँ ये हमारा मतलब ऐसे चुप कह रहा है कि आपके केस में कोई है नहीं कोई ऐसी चीज़, वो फिंगरप्रिंट और DNA की बात कर रहा है। माजिद को भी हमने लगाया है, ठीक है ऐसे, ठीक है ठीक। अभी आपने जाना है माजिद के पास, ठीक है ठीक है। ठीक है, ये मुलाजम था, आरजी मुलाजम था, ऑपरेटर था। हाँ ठीक है, वो बात मैं समझ गया हूँ। अभी उसके पास जब जाते थे सर, उन्होंने बंदे पहले पकड़े भी थे सदीक साहब, पता नहीं बना लो, लेकिन वो नहीं होंगे ना जा रहे, उनके DNA के लिए वो जाते थे, उनको अभी आ जाएंगे कल आएंगे, लेकिन जिन्होंने ये इन मस्कीन को उनको बताया था कि नहीं है कि वो फिंगरप्रिंट आए हैं, 9 महीने मिले हैं या मिले हैं नहीं मिले। चले अभी आप उनको लूप में रखें, लूप में रखें, आप भी लूप में रखो। आपने इधर कंप्लेंट इन चार्ज है जीशान, इससे रब्ते में रहना है, ठीक है, और उधर SHO साहब हैं ये माजिद, उनसे रब्ते में रहना है, ये भी कॉम्पिटेंट अफसर ये भी है, ठीक है आपका ख्याल रखें सर, बस ये बस अल्लाह खैर करेगा, हमारे पास आ गए, अब हमारे जिम्मे हो गया है, यही मसला था, वो लुक आफ्टर को नहीं देता था, अल्लाह खैर करेगा, आ जाएंगे, ठीक है ठीक है, चला बस मेहरबानी, हां सलाम। मोहम्मद आसिफ, आप जान सकते हैं? ये सर अच्छा ही तो हो गया। नाजुक अली, बात करा उसे, जो से क्या चोरी हुआ था?
सर भैंसे चोरी हुई थी हमारी, दो भैंसे चोरी हुई थी, तीसरे तारीख को चोरी हुई है, तीसरे महीने की अब 30 तारीख को चोरी हुई है, तो आज तक हमें तो सर रिकवरी नहीं मिली। कुछ बंदे नामजद करवाए थे और वो दो तो उन्होंने एक पकड़ा था इधर, वो पकड़ने के बाद उन्होंने कहा इसके पास माल नहीं है, उसे छोड़ दिया। एक बंदा और था उसने इधर जमानत कराई थी, इधर वो डेढ़ माह इधर फिरता रहा, एक माह पूरा उस जमानत खारिज हो गई सीधे उसकी, और वो इसको पकड़ा नहीं तफ्तीशी ने, और उसके बाद वो इसे इधर भेज दिया हाई कोर्ट, उधर वो चला गया भावलपुर, उधर उसकी पक्की होगी जमानत। तो हम इधर आ गए, वो कहते बस फारिग हो गए हैं, तो आपकी एफ आई आर ख़त्म हो गई। दो बंदे हम तफ्तीश उधर और क्लियर बंदे चोर हमारे यही हैं, जो एक पकड़ा हुआ है, जो पक्का जो पक्की जमानत करवा गया कौन, एक उसका भाई है। चोरी क्या हुआ था? दो बहन से हमारी चोरी। ठीक है, अच्छा अभी जिम्मे लगा लेते हैं राव साहब के। आप राव साहब से मुलाकात नहीं? मैं हूँ राव साहब के पास। कब? ये मुझे हो गया तकरीबन 5-7-8 दिन हो गया, 8-10 दिन हो गए इसके राव साहब के पास गया, और राव साहब ने शायद उसके जिम्मे लगाया कि आप वो चोर पकड़े, और उसने कहा था कि मेरी तो तब्दीली होने वाली है तो आप ठहर जाएं, तो वो शहर साहब तो वो अभी तक तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मेरे वाले साहब इतने करीब बंदे बाहर हैं, वो बाहर नहीं सकते थे। नहीं, कोशिश इसमें शुरू हो जाए तो फिर बात आगे बढ़ भी जाएगा। हाँ जी, अभी बात कर। अच्छा राव साहब, ये आपके पास एक दफ़ा तो आए हैं, आपने किसी के जिम्मे भी लगाया था लेकिन वो काम उस तरह से चल नहीं पाया मेरा ख्याल है। ये सर मुरलीगढ़ का मामला मेरे ख्याल से, ये ना 355/23। जी सर, सर ये जो है ना इनकी, इन्होंने गाय दी थी चराई पे सर, अगर वो यहाँ वो गाय चराने वाला लेके गया इधर चीचा वतनी साइड पे सर, वहाँ से उसके पास से होगी चोरी सर। वो नहीं है वो मामला नहीं। अच्छा वो मामला नहीं है, वो नहीं बात है, ये मामला वो नहीं है, वो नहीं है। चले आप दोबारा एक तरफ जाए ना राव साहब, उसने कहा मोहम्मद यार बलोच का मामला है, मोहम्मद यार बलोच का मामला है, मुरलीगढ़ बैंक से। तो सर आप एक दफा जाए अभी, इधर करीब है ना थाना, ये है, आप जाए हम पूछेंगे, इसके बाद आप इसके बाद झांसी पे रबते में रहें, हमसे भी रबते में रहें, इंशाल्लाह हल हो जाएगा मामला। ठीक है, नेक्स्ट अभी आप क्या उसको भी दे देते हैं, चलो हम इंक्वायरी कराते रहेंगे आपकी। चलो आपके तसल्ली को उनको भी देते हैं, हालांकि आसिफ सईद साहब इधर नाम और इंक्वायरी करते हैं। मैं पूछता हूँ मोहम्मद आसिफ, अल्लाह की कसम ये है, ये कौन सा है वो, इनका निकालो ना। अच्छा आसिफ साहब आप कैसे आए हैं सर? ड्यूटी एफ आई आर हुई है जी, दे दी है उनको। थैंक यू, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, तरक्की दे, ये मेरे साथ ना इंसाफी की है। अभी देखेंगे, चलो देख लेना, तीसरी इंक्वायरी है ये, उसमें भी समझ आ जाए। मेरी दो दुकानें ठीक हो गया, कब्जा करवाया है सचो ने और आसिफ साहब। फसल का उजाड़ा आपने क्या है और जमानत भी नहीं कराई आपने? सर वो ऐसा है कि ना मेरे वाले साहब से इन्होंने खाला लिया था, हाजी मोहम्मद खान नंबरदार ने, तो उन्होंने खाला भी तोड़ दिया। हाँ। हमने पमैश की भी कोशिश की। अच्छा राव साहब, ये भी मैं आपके पास भेज रहा हूँ, ये आसिफ है, ठीक है, हालांकि लिखा ये है कि ये जमानत भी नहीं करा रहा और फसल का उजाड़ा भी है, लेकिन आप फिर भी मेरे पास आए तो आप फिर भी इंसाफ के तकाजे देख लें, अगर कोई इसमें यह है कि ज़रा बराबर भी इसके खिलाफ जाते हैं तो आप उसका हल निकाल लें, नहीं तो फिर जो मेरिट बनता है वो मेरिट तो है ही है, जिसके खिलाफ भी गया इनके खिलाफ गया। ठीक है, सर मैं पहली दफ़ा इस चक्कर में पड़ा हूँ, मुझे मैंने बता दिया है, मेरिट के तकाजे पे हम देखेंगे। ओके हो गया, ये किधर सदर थाने में जाना सर, हम सर कौन सी बाद में कर लेंगे अब तो। अच्छा कर दें कर दें, आसिफ साहब आ जाएं, ये मैं ले जाऊं? नहीं नहीं, हम आपको आपको बताएंगे अभी, अभी आपको भेजेंगे जी। आसिफ साहब ये क्या मसला है, ये कौन सा सर? ये मैं बता, हाँ ये सर एक खातून है, हाँ ये सर बेवा है, ठीक है, इनका खामन था मौलवी, वो सर फोट हो गया 2017 ठीक, इसके इनके सुतेले बेटे हैं, उन्होंने इनको कहा कि आप ज़मीन हमें दे दें, हम खुद ही काश करते रहेंगे और आपको दे देंगे ठेका, वो सर चलता रहा 3-4 साल। उसके बाद ये हुआ सर कि उन्होंने वो ज़मीन है नैब के बिल्कुल ऊपर सर, सीधे ब्लॉक में ना 12-13 एकड़ है,
40 लाख से ऊपर एक एकड़ की कीमत है। उन्होंने सर एक बंदा ढूंढा अपने ही मुआवजे का, उसकी ज़मीन कहीं दूसरी तरफ पड़ी थी, 2.5-3 एकड़ का ओनर था लेकिन टिप्पे में लगी। उन्होंने सर उसको तैयार किया, साथ इनका बेटा भी लाए और एक साथ इन्होंने सर एक बंदा तैयार किया ज़मीन लेने के लिए, और वो जो बंजर रकबे वाला था उसने मिल के इनकी ज़मीन जो इनके उनके दो इंतकाल हुए, एक बेटे की ज़मीन मिली है और एक इनको मिली है बींग विडो, उन्होंने सर वो जो 40 लाख वाला रकबा था वो एक तीसरे बंदे को तैयार करके उससे मिल के इंतकाल दे दिया, और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ और कब्ज़ा हमारी ज़मीन पर कर लो, क्योंकि सुतेला था ग्रज ये था कि इनको ना जाए ज़मीन, वो सर उसने करके ना इंतकाल भी दे दिया और कब्ज़ा भी दे दिया। इसके बाद सर ये बीबी आई हमारे पास, हमने सर पहले तो समझा बात को, पटवारी को बुलाया, पटवारी ने सर मौके पे गया, उसने सर एक डिटेल में हमें रिपोर्ट दे दी, फिर गिरदावर गया सर, केसी साहब को लिखा, इसी साहब ने भेजा, उसमें लिखा कि इसका रकबा है और इसी को मिलवाना है, और रिपोर्ट्स लगी हुई हैं साथ सर। बीबी सर कंजेक्टिव से 7 डेज सैरी और डेली बेसिस पर हमें इसका काम कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड इसका सारा। अब सर वो सारा कुछ हो चुका है, ठीक है, इसको रिस्टोर होना है सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत परेशान हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा जाती हूँ, मेरे पास कोई स्टाइल नहीं है। नहीं, आप हमारी बहन है, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, देखिए आप बड़ी स्वाद, आपकी स्वाद कोई भी नहीं आई तो देखे ना, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह, इसने बहुत अच्छी इंक्वायरी की है, इसने मेरी बड़ी मुश्किल देती रही हूँ माशाल्लाह, 8 दिन से मैं इधर आ रही हूँ डेली इनके पास। तो देखो आपके आने से इन्होंने मुझे कहा है कि आप रोजाना आती रही, तो तभी इतनी डिटेल से इंक्वायरी हो सकती है, पेचीदा मसला था, आप सामने आ गया है, अब अल्लाह खैर करेगा जी। हाँ जी, ठीक है, मेरा और मेरे बच्चे का हिस्सा मैंने उसी जगह पे लेना जहाँ मेरे खाम निकाल, अल्लाह खैर करेगा, आपको इंसाफ दिलाएंगे हम, ठीक है, ठीक है। मुझे वो दिखाते हैं SHO से बात भी करा मेरी, अच्छा राव साहब ये इंक्वायरी, ये हमारी बहन है इनके हक में आ गई है, इनके साथ बड़े मैनिपुलेशन के साथ ज्यादती हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे आसिफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इंक्वायरी की है, मज़ा आ गया है, ठीक है, वो बिल्कुल सामने आ गया है मामला सारा, जो जैसे जैसे जिसने इनके साथ तरीके से चला के साथ ज्यादती की थी, तो बस आपने पर इसको इम्प्लीमेंट करवाना है DSP साहब AC साहब को तमाम को मुतलक़े को इन्वॉल्व करके, तो पूरी जो है ना लाफुल तरीके से इनको अपना हक दिला दें फिर, ठीक है, आमीन, आमीन। आपका मसला हल करेंगे, ठीक हो गया, बस हो गया। ये सर आए नहीं है इधर,